अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 144वां योम वलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार नाज़रीन तारीख की उन चंद शख्सियात में होता है जो अपनी हयात व खिदमात की रोशनी में तारीख का ऐसा बाब बन जाती हैं कि आने वाली सदियाँ उनके तस्करे से गूंजती नज़र आती हैं। इस दिन की मुनासबत से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी ट्वीट में कहा कि कायदे आज़म 20वीं सदी के अजीम और दूरंदेश कायदीन में शामिल हैं। आज पूरी दुनिया सेक्युलर भारत का चेहरा देख रही है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कायदे आज़म की इस यकीन की तस्दीक है कि हिंदुस्तान के इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को इज्जत वक़ार के साथ नहीं रहने देंगे। आर्मी चीफ ने भी आज मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर कहा कि कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए दो कौमी नज़रिया हकीकत बन चुका है। मुश्किल दौर में अकलियतों समेत तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें। और हमने अगर कल के जो हमारे सामने डेवलपमेंट्स थी उस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कल राना सनाउल्ला साहब की कमज़ोर एविडेंसेस पर जमानत होने के बाद आज शहरियार आफरीदी जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर नरकोटिक्स कंट्रोल हैं उन पर तनकीद का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें हमने देखा कि आज वो बाकायदा इस मामले पर प्रेशर करते हैं और फिर वजाहत देते हुए नज़र आते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि वीडियो का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि राना सनाउल्ला के मुख्तलिफ पोजेस जो हैं वो लिए गए हों, उस वीडियो में रिकॉर्ड किए गए हों, और वीडियो और फुटेज में फ़र्क होता है। हमने 3 हफ्ते तक राना सनाउल्ला साहब की रैकी की, उनकी नकलो हरकत को चेक किया। अब सवालात इस प्रेशर के बाद ये पैदा हो गए हैं, एक नई बहस का आगाज़ हो गया उनकी आज की इस प्रेशर के बाद कि अगर शहरियार आफरीदी को ये इल्म था कि उनके पास ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं तो बार बार वो दावे क्यों करते रहे, जबकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वीडियो का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं किया, फुटेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो फिर सवाल ये कि वीडियो और फुटेज में फ़र्क क्या है, और फिर जो गलत दावे या मफरूजे थे उनकी बुनियाद पर न सिर्फ मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन पर काफ़ी तनकीद हुई है। हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और फिर कल की जमानत के नतीजे में हकूमत पर जो प्रेशर बढ़ा वो भी हम देख रहे हैं कि उसका भी एक ना ख़त्म होने वाला जो है तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है कि इंतकामी कार्रवाइयों में हकूमत मसरूफ़ नज़र आ रही है। अपोजिशन के लिए राना सनाउल्ला की ज़मानत एक बड़ा ब्रेक थ्रू बनकर सामने आया है। हम अपने आज के शो में इसी तमाम मामले पर बात करेंगे कि सिंस राना सनाउल्ला साहब के खिलाफ अभी केस अदालत में जारी है, वो बेगुनाह हैं या नहीं ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन मुख्तलिफ फोरम्स पर यह बहस जरूर जारी है कि क्या राना सनाउल्ला भी सियासी इंतकाम का शिकार हो रहे हैं, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दीगर अपोजिशन को चुप कराने के लिए बनाया गया था, इसमें कोई हकीकत भी है या ये एक परसेप्शन ही है जो कि बिल्डअप होता जा रहा है। हम इस मामले पर बात करेंगे और साथ साथ हम देखते हैं कि आज वजीर रेलवे शेख रशीद साहब जो हैं वो भी बड़े शिकायत करते हुए नजर आए कि हकूमत के खिलाफ 17 माह से साजिशें जो हैं वो की जा रही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर अपोजिशन कमज़ोर है तो कमज़ोर अपोजिशन के बावजूद हकूमत के खिलाफ ये साजिशें कौन कर रहा है और ऐसी कौन सी साजिशें हैं कि जिनका जिक्र किया जा रहा है। वी विल डिस्कस ऑल दिस इन आवर टुडेज़ शो, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हाउस स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद अवैस साहब, सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमें बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और हमें कुछ देर में सीनियर एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा आज का पूरा दिन एक हमारे सामने जो कल का एपिसोड शुरू हुआ था राना सनाउल्ला साहब की जमानत के बाद से, उसमें आज हम देखते हैं कि शहरियार आफरीदी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर आकर प्रेशर करते हैं। इस प्रेशर के बाद मजीद क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो गए हैं, बट लेट्स फर्स्ट लिसन एज टू व्हाट ही सेड टुडे एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। मैं कौम को ये बताना चाहूँ कि राना सनाउल्ला साहब अभी भी वो मुल्ज़िम हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट में, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह मैं गया और मैंने कहा कि 17 दिन के अंदर तमाम सबूत, और मैंने फुटेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 17 दिन के अंदर तमाम सबूत हमने प्रोवाइड कर दिए, 18वें दिन ट्रायल शुरू होना था।
ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स की गई हैं कि किसी तरीके से इस केस को डिले किया जाए, मैं मुल्क से बाहर था, परसेप्शन ये दी गई, मैं कल कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं था, कि शायद ये मीडिया से भाग रहे हैं। हमारी तरबियत ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से होने का यकीन, और हमारे लीडर, हम मैदान में खड़े होने वाले हैं। मैंने फुटेज किसी जगह पे, मेरे एक चीज इस्तेमाल की फुटेज, उसको अजीब तरीके से पेश कर दिया गया। फिर जब मैं बात करूं कि मैंने अगर कोई भी अगर जातियात की हो, जैसे पहले लोग भैंसों के पर्चे और पता नहीं क्या क्या करते थे, तो मैंने यहां तक कहा कि मुझे कलमा नसीब ना हो, उसका भी मजाक उड़ाया गया। जब मैंने कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, उसका भी मजाक उड़ाया गया। खुदा के लिए, इस रियासत में हम कौम के आने वाली नस्लों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? फैसला आएगा, ऑर्डर, उसको पढ़ेंगे, पूरा ऑल आउट जाएंगे, किधर है वीडियो, किधर है वीडियो। यहां तक कि DGANF ने कहा कि ये कोई फिल्म बन रही थी, कि अभी इस तरह पोस्ट बनाओ, फिर इस तरह पोस्ट बनाओ। अगर ये वीडियो, अगर सारा कुछ वीडियो बनती और ये इस तरह हो रहा है, तो कहते ये प्लांटेड है। खुदा के लिए, जी जैसा कि अभी आपने एग्जैक्टली सुना कि आज क्या कहा गया शहरयार आफरीदी साहब की जानिब से, अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर अहमद अवैस साहब आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपकी लीगल ओपिनियन भी लेंगे इस मामले पर। आई एम श्योर कि आपने भी नजर रखी हुई होगी, कल हमारे सामने राना सनाउल्लाह साहब की जो है वो जमानत होती है और आज हमें शहरयार आफरीदी प्रेसर करते हुए नजर आते हैं। अब उनका कहना ये भी है कि 17 रोज में हमने तमाम सबूत कोर्ट्स के सामने रख दिए और 18वें रोज ट्रायल शुरू होना था, डिलेइंग टैक्टिक्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह अभी भी मुल्जिम है, अक्विटल नहीं हुआ है उनका कोर्ट से। तो ये तमाम मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर वीडियो और फुटेज, अब वो कह रहे हैं कि मैंने कहीं भी वीडियो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, फुटेज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वो हमें बता रहे हैं कि वीडियो और फुटेज में फर्क होता है। तो अब ये इन आज के बयान को आप कैसे देखते हैं, और फिर केस पर किस हद तक ये असरअंदाज होंगे, ये स्टेटमेंट्स या ये एविडेंसेस जो कि पहले कहे गए थे और आज सामने नजर ही नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि केस की पेंडिंग है, ये इस हद तक तो आफरीदी साहब की बात दुरुस्त है कि ये एक्यूज हैं और अभी भी एक्यूज हैं, कि अब तक उनका ट्रायल मुकम्मल नहीं होता और उसके ट्रायल के नतीजे में वो या एक्यूट हो जाएंगे या सजा पाएंगे, तो उस वक्त तक तो वो एक्यूज हैं। दूसरी बात यह है कि ये अदालत ने फैसला किया है, अब ये फैसला देखिए, अदालत के फैसले के ऊपर इस तरह से कमेंट जो है उनकी, जिसमें अदालत की इंटेग्रिटी आ जाए, वो नहीं करने चाहिए, और इस लिहाज से उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, अदालत ने फैसला किया है, किन हकायक की बुनियाद पे किया है, वो फैसले की डिटेल तो मेरे सामने अभी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैं आपको कोई ऐसी हतमी राय तो कायम नहीं कर सकता। और एक तरीक़ेकार जो अदालत का है वो ये है कि अगर एक अदालत ने फैसला कर दिया है, सजा उसमें बेल दे दी है उनको, तो कैंसिलेशन के लिए ये दूसरी बड़ी अदालत में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अहमद अवैस साहब, लेट्स पुट इट दिस वे, इसको इस तरह से सवाल को अगर कर लिया जाए आपसे कि आज शहरयार आफरीदी साहब जो हैं वो अपने ही दावे की नफी करते हुए भी नजर आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वीडियो और फुटेज कहकर मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, वीडियो हो या फुटेज हो, आखिर बात तो उन्होंने सबूत देने की थी, इधर वे तो इसको किस तरह से देखें क्या? और फिर ANF की जानिब से कहा गया कि ना फुटेज है ना वीडियो है, तो ये इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए ना, बात ये है कि इसको, मेरे ख्याल में इसको कंट्रोवर्सी बनाना भी नहीं चाहिए, और ये क्योंकि हुकूमत में है तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के तरफ से एक मिनिस्टर को ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनानी चाहिए कि वीडियो की और फुटेज की, और ये सारे सबूत तो अदालत में पेश होने, अदालत ने अप्रिशिएट करनी है कोई एविडेंस कि वो मुनासिब है या नहीं है, और उनके ऊपर, उन्हीं हकायक के ऊपर उसने फैसला देना है। तो ये पब्लिक के अंदर पेंडिंग लिटिगेशन के अंदर ये, मेरे ख्याल में ये कंट्रोवर्सी रेज होनी नहीं चाहिए, असूलन मैं ये महसूस करता हूँ, इसलिए आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। और ये एक ऐसी सुपरफ्लोस किस्म की ये कंट्रोवर्सी है कि फुटेज की और वीडियो की, कि ये है या नहीं है, ये तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस जब ये ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो बेशक ये बेल पर भी हैं, इसके बावजूद ट्रायल में तो आना है इन्होंने, और ट्रायल जब शुरू होगा तो वहाँ पे ये तमाम एविडेंस के अंदर ये जो है, क्योंकि जो जो एक जो ओरिजिनल
एक को फुटेज है या वीडियो है वो उसको भी पेश किया जा सकता है। लेकिन अहमद अवैस साहब, एक और सवाल जो उठाया जा रहा है कि जब ये गिरफ्तारी हुई थी तो हमने देखा था कि जो प्रेसर करते हैं शहरयार आफरीदी साहब, उनके साथ उस वक्त DGNF मौजूद थे जो कि एक सर्विंग जनरल है, और अब जबकि ये मामला इस तरह से अनफोल्ड हो रहा है तो ही इज नो वेयर टू बी फाउंड, वो इस वक्त क्यों नहीं साथ खड़े हुए नजर आ रहे। और दूसरी बात जो सामने आती है वो ये भी है कि जब चलान सबमिट हो जाता है तो जो एविडेंसेस इस चलान में सबमिट हो गए हैं यही आगे ट्रायल में भी यही क्या रहेंगे, इसमें क्या मजीद कोई एविडेंस सबमिट किया जा सकता है, ये मेरा लीगल क्वेश्चन है आपसे। और अगर कोई मजीद एविडेंस सबमिट नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है कि जो एविडेंसेस दिए गए हैं देन दैट्स अबाउट इट। तो फिर हुकूमत ये क्यों कह रही है कि अभी ट्रायल में एविडेंसेस जो है पेश किए जाएंगे, फिरदौस आशिक अवान साहब अभी यही कहती नजर आई। नहीं देखिए, ये जब क्रिमिनल केस में एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी जाती है और वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर वो जितने इनके कंसर्न जो स्टाफ मेंबर होंगे, जिन्होंने पकड़ा, जिन्होंने रिकवरी की, जिन्होंने वो रिकवरी मीमोज बनाई होंगी, उनका फिर वो फ्रेंसिक लैब में वो टेस्ट के लिए भेजा गया होगा, ये तमाम एविडेंस जो है और वो कितना मटेरियल था उसकी, वो सील बंद होंगे और ये सारी रिक्विजिट जो है, और जो ये उसकी डिटेल जो है जिस वक्त वो उन विटनेसेस के जिनके नाम दिए होंगे इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस के लिए, वो जब पेश होंगे तो वो अपनी कोर्स ऑफ देयर स्टेटमेंट, वो जो जो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या कोई उससे रिलेटेड मटेरियल है वो अदालत में पेश करेंगे उस वक्त। तो इसलिए ये बातें जो है ये पब्लिक में करके और पब्लिक से ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये सुपर फ्लोअस है, क्योंकि इसका फैसला राइटली और रॉन्गली जो फैसला करना है वो तो फैसला जज ने करना है, वो किस एविडेंस को कैसे अप्रिशिएट करता है कैसे नहीं करता ये उसकी जवाबदेही है। ये इसका फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है इसके अंदर, या हम तो बैठ के बाहर कमेंट करेंगे और कमेंट पेंडिंग केस के अंदर कमेंट नहीं होनी चाहिए, मेरा ये इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ऑलराइट, लेकिन ये तो फिर हुकूमती वज़रा को सोचना चाहिए कि वो ये मौका फराहम क्यों करते हैं, ये जो प्रेसर्स होने लगती हैं, प्रेसर्स दर प्रेसर्स हो जाती हैं, उसमें इतने बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, तो फिर मौका तो मीडिया को मिलेगा बात करने का। आज की प्रेसर क्या आपके ख्याल में फ्रॉम लीगल एस्पेक्ट वॉज इट नेसेसरी कि शहरयार आफरीदी साहब ने जो आज की प्रेसर की है, क्या इसकी जरूरत थी? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कुछ आज उन्होंने बात की है इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। जो बात करेंगे अदालत के सामने करेंगे, क्योंकि फैसला तो अदालत ने करना है, मीडिया ट्रायल तो नहीं है ना कि यहाँ बैठ के यहाँ पे कोई आपने उसके बाद कोई वो एक कंसेंसस लेने हैं, कोई वोटिंग करवानी है या उसके ऊपर फैसले करने हैं, वो तो नहीं होना, फैसला तो अदालत ने करना है। इसलिए इसको कंट्रोवर्सी में लाना नहीं चाहिए, ये तमाम बातें जो हैं ये जितनी लेकर आएंगे उसमें उतना उलझाव पैदा होगा, और वो उलझाव जो है वो मेरा ख्याल में उसको ज्यादा प्रॉब्लम जो है उससे वो जो हुकूमत के लोगों के ऊपर ज्यादा उसकी भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी हुकूमत की रेपुटेशन के लिए। एग्जैक्टली, यहाँ पर डॉक्टर मजर इकबाल साहब आपकी जानिब आएंगे। ये अब आज की प्रेसर हमारे सामने है, शहरयार आफरीदी साहब क्लियर कट कह रहे हैं कि वीडियो का वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं किया, फुटेज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। हमने फिर देखा कि ANF प्रोसिक्यूटर जो है राजा इनाम साहब वो भी आते हैं, वो भी प्रेसर करते हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि शहरयार आफरीदी अपने झूठे इल्जाम पर रेजिग्नेशन दें, तो राणा सनाउल्ला और फिर आप लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको जो 5 माह और 24 दिन जो है वो अरेस्ट में रखा गया है, जेल में रखा गया है, तो और उनकी जो किरदार कशी करते की गई है इस तमाम मामले को लेकर, उसकी जिम्मेदारी को देखते हुए शाहिद आफरीदी जो है, शहरयार आफरीदी जो है उनको रिजाइन करना चाहिए। देखिए नीलम साहब, ये बिल्कुल जेन्युइन मुतालबा है, और आप ये देखें कि शहरयार आफरीदी साहब ने जिस तरह सेनेट में, कौमी असेंबली में राणा सनाउल्ला की जब ये इस पे ANF के छापे के बाद जो रिकवरी हुई उसमें हर जगह पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और वहाँ पर वो इस तरह बयानात देते रहे जैसे वो खुद भी ऐनी शाहिद हों, और खुदा को जान देनी है और कलमा तैयबा का जो है उसकी कसम खाते हुए वो इस तरह बताते थे कि मैंने अपनी आँखों से हर चीज़ को देखा है, फुटेज देखी हैं, वीडियोज़ देखी हैं, और फिर वो हर एक को यकीन दिलाते रहे। और फिर ये देखें कि जो है उन्होंने
फिर अब जब उनकी जमानत हुई है तो फिर अदालत के फैसलों का ये तमस्खर भी उड़ाते हैं। फिरदौस आशिक ऐवान जो इनकी मशीर इतलात हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें, उसमें उन्होंने किस तरह आला दलिया का मजाक उड़ाया है कि आज तक आजकल जमानतों का मौसम है, फैसले जो नज़र आ रहे हैं हम उन्हें देख रहे हैं। आज भी उन्होंने ये इस तरह के अल्फाज शहरयार अफरीदी साहब ने दोहराए। इससे ये देखें कि इनका पर्सनल जो है वेनिगेंस एंड वेंडेटा जो है वो ज़ाहिर होता है। और इनकी आप ये देखें कि आज वो खुद कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ जो है एजेंसीज का काम है, वो देखें भाई आप तो खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो हैं वो वज़ीर मुमलकत हैं और आपने इतनी यकीन दहानी कौम को दिलवाई। और ये जो नारकोटिक्स के केसेस में बेल नहीं होती, अल्लाह सुरेंटल दी जज इज कन्विंस्ड हिमसेल्फ के देर इज नथिंग सब्सटेंशियल, क्योंकि ये इन्होंने पहले कल फरदौस आशिक ऐवान साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने देखा होगा कि वो कह रही थी कि जब ट्रायल शुरू होगा तो हम एविडेंस देंगे। कल उनकी सारा दिन यही जो है वो तकरीर रही। और आज आज शहरयार अफरीदी साहब ने जब आप आज कहा तो उन्होंने कहा हम तो सारा एविडेंस दे चुके हैं। तो अगर वो सारा एविडेंस दे चुके हैं, जैसे कि अभी मोहतरम हमारे वकील साहब फरमा रहे थे और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने लॉजिकली बात की, तो अगर दे चुके थे तो क्या जज वो था? नारकोटिक्स के केसेस में बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं और ये इन्होंने देखे ना कितना 22 किलो हीरोइन जो है वो रिकवर की, और उसमें इन्होंने फिर उसमें आप देखें कि इन्होंने कोई उसका रैकेट नहीं पकड़ा। ये कह रहे थे कि 17 दिन हम इनको फॉलो करते रहे, तो वो उनका जो पूरा एक गैंग था, जो गिरफ्तारियां इन्होंने करनी थी, जो उनका जिस्मानी रिमांड तक नहीं लिया गया, आप हैरान हो जाएंगे कि उनको जब पकड़ा गया तो उनको जुडिशल रिमांड पे ले गए। हालांकि वो अगर इतना बड़ा रैकेट था जो कि कई सालों से ये सारा कुछ हो रहा था, तो फिर उसकी बहुत सारी गिरफ्तारियां सारे मुल्क से आनी चाहिए थी और वो रोज़ाना की बुनियादों पर। अब वो कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं, तो कहीं पर तो ये कहते हैं कि एविडेंस लेके टीवी पे बैठ जाते हैं। शहजाद अकबर साहब आपने देखा होगा, वो एक एक चीज़ दिखाते हैं। अदालत में जाने की बजाय वो कहते हैं कि मेरे शहबाज शरीफ साहब 12 सवालों का जवाब दें, और कहीं ये कहते हैं कि हमने सारा एविडेंस अदालत में देना है। 18 सवाल। फॉर गॉड से इस तरह की बातें ना करें, कौम को तमस्खर ना बनाएं, अदारों को मुतनाजा ना बनाएं, अदलिया को मुतनाजा बना रहे हैं। ये सारे जो हमारे मुकर्रम अदारे हैं उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों की तवज्जो जो है वो मबजूल करने के लिए दूसरी तरफ, ताकि असल में माहौल का फिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। सेंटर ज्ञान चंद साहब, अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने राणा सनाउल्ला साहब का केस मौजूद है, फिर इसी तरह ऑपोजिशन के जो दूसरे सियासी रहनुमा हैं जो इस वक्त जेरे हरासत भी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमात हैं। अब ये उन तमाम मुकदमात पर फिर सवालात पैदा हो रहे हैं। कुछ सियासी रहनुमा जमानत पर रिहाई भी हासिल कर चुके हैं, आसिफ जरदारी साहब आपकी पार्टी के हैं, फरियाल तालपुर हैं, दूसरी जानब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब मरियम नवाज भी बाहर हैं। तो अब ये सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या राणा सनाउल्ला के मुकदमे के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा कि वो सियासी मुखालिफीन की किरदार कुशी जो है वो ना करे, या की जा रही है हुकूमत की जानिब से? आखिर हुकूमती रहनुमा इस तरह से अरेस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो केसेस हमारे सामने रखे गए हैं, मालम जब्बा का कहा जाता है, बीआरटी का कहा जाता है। देखिए ये तो जो एहतसाब के नाम पे गवर्नमेंट आई है वो एक्चुअली उन्होंने साबित कर दिया है कि हम इंतकाम के नाम पे गवर्नमेंट कर रहे हैं। आप देखेंगे इमरान खान के गवर्नमेंट में आने के बाद अब तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें हो के हम मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये इकदाम उठा रहे हैं, ये हमने इकदाम उठाए हैं। ये इमरान खान साहब के कैबिनेट की मीटिंग होती है कि नवाज शरीफ साहब को इजाजत देनी है कि नहीं देनी है, मरियम नवाज के केस का क्या करना है, एहतसाब में किन किन लीडर्स को जेल में डालना है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी यही होते हैं कि अपोजिशन के लोग सब करप्ट हैं और उन सब लोगों को हम जेल में डालना है, उनकी सब सहूलियात खत्म करनी है, और जब कोर्ट में जाते हैं तो सब के सब झूठे साबित होते हैं। ये इनके जो तर्जमानों की एक टीम है वो इनका जो झूठ है उसके डिफेंस के लिए बिठाई हुई है। ये कोई परफॉर्म तो कर नहीं रहे हैं जो नजर आए, अमल इनका कोई है नहीं जो नजर आए। ये बार बार एक चीज को दूसरी चीज को अपोजिशन को, जो अपोजिशन में जब ये इमरान खान और इसकी टीम थी तब जो बातें करती थी वही की वही बातें डेढ़ साल के बाद भी दोहराई जा रही हैं। मुल्क का अन्न बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है,
लेकिन फिर ज्ञान चंद साहब, दूध का धुला भी तो कोई नहीं है, ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी भी होनी है। अब चाहे वो सियासतदान अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी तो आगे हमने लेके जाना है। लेकिन यहाँ पर अहमद अवैस साहब, आज ख्वाजा आसिफ जो हैं वो मीडिया टॉक करते हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने 1.5 साल मुखालिफिन और इख्तलाफ राय को कुचलने के सिवा कुछ नहीं किया। सुन लेते हैं पहले कि व्हाट डिड ही से एग्जैक्टली एंड देन वी विल टेबल आवर क्वेश्चन टू यू। राणा सनाउल्लाह साहब की बरियत जो है या उनकी जमानत जो है जो मंजूर हुई है, बावजूद कस्में और जो कुरान उठाए गए, जो मज़हब का नाम इस्तेमाल किया गया अपने मौकफ की सपोर्ट में, वो सारे का सारा जो है वो चिकना चूर हो गया कल अदालत के अंदर। जो चौधरी आसन इकबाल साहब का जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके साथ जो है मौजूदा माहौल में जब हुकूमत जो है एक तरफ जो है वो अपोजिशन के साथ जो है वो गुफ्तगुशुनीद कर रही है और पार्लियामेंट का माहौल जो है इम्प्रूव करने की बातें कर रही है, और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन की क्यादत को, अपोजिशन के कारकुनों को, तो ये माहौल जो है बजाय बेहतर होने के माहौल जो है और ज़्यादा ख़राब होगा जो हालात हैं। अहमद अवैस साहब, ये जो शिकवा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं कि हुकूमत का काम ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना होता है ताकि ऑपोजिशन हुकूमती जो इश्यूज हैं, अमूर हैं और जो लेजिस्लेशन है उसमें कोई रुकावट पैदा ना करे, लेकिन हुकूमत का ऑपोजिशन के साथ जो रवैया नजर आ रहा है उससे माहौल खराब ही होगा। तो ये जो इजहार किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, इससे नुकसान किसका होगा, हुकूमत का ज्यादा या ऑपोजिशन का? मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने इजहार ख्याल किया है, ये मैं इसे इत्तफाक नहीं करता, इसलिए कि हुकूमत का काम जो है वो ज़रूर है कि वो मेनोवरिंग भी करे, मेनोवरेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, और वो अपोजिशन को पार्लिमानी जो मामलात हैं जहाँ तक कानून साजी के मैटर्स हैं वो उनको साथ लेके चले, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उनके साथ जहाँ कमेटीज़ बनती हैं उसमें सब मेंबर्स जो हैं वो दोनों तरफ के होते हैं, वो बैठ के काम करें। लेकिन ये कह देना उनका कि जी ये वो केस जो है वो नहीं होने चाहिए, अब ये करप्शन के केसेस हैं या इस किस्म के जो केसेस हैं वो केसेस तो जो रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उन्होंने तैयार करने हैं, और अगर वो तैयार करते हैं और वो तैयार करके उनके केसेस को और उनको अप्रीहेंड करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये उनका डिपार्टमेंट का काम है, और उसके बाद अदालत का एक निज़ाम है कि इन्वेस्टिगेशन हुई है, ठीक हुई नहीं हुई, अदालत ने उनको कंसीडर किया है, उनको बेल पे रिहा किया नहीं किया, ये एक अलग से निज़ाम है। इसका मतलब ये नहीं है उनका कि जी अपोजिशन जो है उसको बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी जाए और वो कोई केस, क्योंकि उनके साथ कोऑपरेट करना है इन्होंने, इसलिए कोई केस ही उनके ऊपर ना बनाया जाए। जो जो करप्शन इन लोगों ने की हुई है उसके अंदर कौन कौन शामिल नहीं है और क्या क्या कुछ नहीं हुआ भाई, ये खुद ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब जो है ये खुद भी उकामा लेके बैठे रहे हैं, ये बात नहीं है। अब ये एक दौर था जहां पे करप्शन को इतना बुरा नहीं समझा जाता था, और आज एक अगर ये एक दौर शुरू हुआ है जहां पे एक नया माइंडसेट बन रहा है, अब इस करप्शन में जो भी आएगा, देखिए ये तलवार जो है करप्शन की अगर चलेगी तो ये ना अपनों को छोड़ेगी ना गैर को छोड़ेगी, इसमें ये नहीं हो, ये इसमें ये बिला तख्सीस होगी, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकती है। अदालतें बैठी हुई हैं, खुद एक पूरा निजाम सामने है, अकाउंटेबिलिटी का मीडिया है। फिर अहमद अवैस साहब, इसमें से वेटेज क्यों लूज करती जा रही है इस कॉन्सेप्ट में से? हम अगर ANF के जो प्रोसिक्यूटर हैं, मुझे अगर आप एक सवाल पुट अप करने दें, राजा इनाम, उन्होंने ये भी कहा है, मैं सिर्फ ये लीगल एस्पेक्ट आपसे मालूम करना चाहूंगी, उन्होंने ये भी आज कहा अपनी प्रेसर में कि फुटेज इस केस में लीगल प्रोसीडिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और वो कह रहे हैं कि बाकी तमाम एविडेंसेस जो है कोर्ट में सबमिट करवा दिए गए हैं, इन एविडेंसेस में 3 गवाहों की स्टेटमेंट्स भी कोर्ट में सबमिट करवा दी गई हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो 15 विटनेसेस हैं उनको भी चलान में सबमिट करवा दिया है केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ, और क्लियरली इसमें फुटेज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो अगर ये प्रोसीजर एक लीगल एस्पेक्ट से आगे बढ़ रहा है और अभी मंतकी अंजाम तक भी नहीं पहुंचा,
उससे पहले जो हमारे सामने हुकूमती प्रेशर्स होती हैं वज़रा की जानिब से, क्या आपको लगता है कि जो वेटेज है अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का जो आपकी पार्टी लेकर आई थी, वो आपके वज़रा खुद ही उस वेटेज को जो है जाहिल कर रहे हैं, उसका असर जो है वो खत्म कर रहे हैं? अब मेरे ख्याल में ये आपने जो बात की है, मैं खुद भी इस यही कहूंगा ये बात कि जब मामला अदालत में है तो वकला ये जो हुकूमत के वज़रा हैं उनको ज़रा सा एहतियात बरतनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा कमेंट्री जो है उनकी केस से मुतल्लिका जिसमें एविडेंस आ जाती है, फुटेज की बात हो रही है, वीडियोस की बात हो रही है, देखिए वीडियो और फुटेज जो होती है ना ये इवन एविडेंस के अंदर भी क्रिमिनल केस के अंदर एज सेकेंडरी एविडेंस उसको लिया जाता है, प्राइमरी एविडेंस के तौर के ऊपर ऊपर नहीं लिया जाता, विद परमिशन ऑफ द कोर्ट इसको जो है फिर उसको एविडेंस में शामिल किया जाता है। तो ये तमाम टेक्निकल मैटर्स हैं और अदालत का एक पूरा निज़ाम है, उसकी वो टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो उनको अदालत को करने दें, ये बाहर बैठ के हमें ये कमेंट नहीं करने चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए इसको और सब्र भी करना चाहिए। एक मामला चला गया तो अब अदालत उसका अपना एक टाइम लेगी, फैसला करेगी, निजाम को आगे चलाएं, आगे से आगे लेके जाएं। लेकिन क्या फिर हुकूमती वज़रा जो है कुछ सबक हासिल कर रहे हैं कि किसी भी केस के शुरू होने से पहले और बीच में या उस केस की किसी भी जो डेवलपमेंट होती है उस पर इस तरह के बयानात दे देना जिसका कि उनको खुद ही अकाउंटेबल पे ठहरा दिया जाता है, जो असल केस होता है अकाउंटेबिलिटी का उससे सबकी तवज्जो हट जाती है और हमें उनकी प्रेशर्स पर जो है तमाम अपने रिसोर्सेज और टाइम जो है वो वक्त करने पड़ते हैं। बहरहाल मूविंग ऑन, आज हम देखते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो भी खिताब करते हैं और उसमें वो भी जो है इंकशाफात कर रहे हैं। हम पहले आपको एग्जैक्ट सुनवा दें कि क्या कहा गया है उनकी जानिब से आज एक तकरीब में खिताब करते हुए। लेट्स लिसन टू हिम आल्सो। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया इंसाफ का महवर है, जब अदलिया खत्म हो जाती है तो जंगल का कानून आ जाता है, और हमें सारे ये फैसले तल्ख तुर्श जैसे भी हैं हम इसको इंसाफ पे मबनी समझते हैं। इस शहर का नाम शराफत की सियासत है, हम वेलकम करते हैं जलसा करने वालों को, हम वो लोग नहीं हैं, और मैं भी लड़काने में जलसा करने वाला हूं, सारे कान खोल के सुन लो कि मैं लड़काना आ रहा हूं, क्योंकि अगर आप रावलपिंडी आएंगे तो मैं लड़काना आऊंगा ना कि जितनी साजिशें इस 17 महीनों में की गई हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जा रहा है तो इमरान खान कहीं नहीं जा। जी सेनेटर ज्ञानचंद साहब, हम आपकी जानिब आएंगे, अभी हमने आपको सुनवाया शेख रशीद साहब ने जो कहा है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ 17 माह से साजिशें की जा रही हैं और साथ साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि मैं भी लाड़काना में जलसा करने जाऊंगा, जब आप रावलपिंडी आ रहे हैं तो मैं भी लाड़काना आऊंगा। तो ये इस किस्म की तनकीद और इस मामले को किस तरह से आप देखेंगे? वो खुद को तो अपना बड़ा लीडर समझता है, लेकिन मैं भी उन पर तबसरा करना नहीं चाहूंगा कि वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं बनती है कि वो बिलावल के सिलसिले में बात भी कर सके। बाकी इस गवर्नमेंट ने क्या करके कर रखा है, गवर्नमेंट कब तक चलनी है, वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने अब तक लोगों को जिंदगी को तंग करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट हर जगह पे नाकाम हो चुकी है, इन्होंने कुछ डिलीवर करना तो क्या कोई वीएन भी नहीं दे सके हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ये यहाँ तक के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी नहीं मान रहे हैं। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हुआ, कैसे नोटिफिकेशन सदर से करवाया, फिर आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन पे इनका क्या बहरान रहा, फिर ये पार्लियामेंट को कैसे कर रहे हैं, 100 दिन तकरीबन हो रहे हैं सेनेट का इजलास नहीं बुलाया गया है। तो ये इदारों की बात करते हैं कि हम इदारों को मजबूत कर रहे हैं, पार्लियामेंट जो सुप्रीम हम जिसको इदारा कहते हैं, जहाँ पे डिबेट होती है, जहाँ पे कलेक्टिव विजडम आता है, जहाँ पे इश्यूज पे पूरे मुल्क के अवाम के नुमाइंदे बैठ कर मुख्तलिफ़ से डिस्कस करते हैं और उससे कोई नतीजा खेज चीज़ें सामने आती है वो नहीं कर पाए। उस पर शेख रशीद अगर या इनकी जो एक झूठों की जो तर्जमानों की टीम बनी हुई है वो बैठकर बात करें कि वो क्या हुआ, बिलावल साहब के माँ को जहाँ पे शहीद किया गया था, बिलावल साहब उसको सलाम करने के लिए कहा कि हम सब कारकुन वहाँ पे सलाम करके जाएंगे, और आप देखेंगे कि 27 को
پورے پاکستان سے لوگ کتنی تعداد میں آتے ہیں اور ان کو کیسے سلام کرتے ہیں, تو وہی لیگیسی ہے جس کو بلاول آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ جو شہادتوں سے گزر کر بھی ڈیموکریسی کو, ملک کو بچانا چاہتے ہیں, اس کو لوگ گلے لگائیں گے اور لوگ اس کو ووٹ دیں گے, اور اس ملک کا مستقبل, پاکستان کا مستقبل بلاول صاحب کی لیڈرشپ میں آیا ہے. کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی پاکستان کو پیپلز پارٹی نے دیا, اور ڈیموکریسی کے لیے ڈیفینڈر جو ہیں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی والے ہیں. تو شیخ رشید ہو, افریدی صاحب ہو, یہ فردوس عاشق احوان ہو, وہ مراد سعید ہو, اس جیسے ایک ڈڈورچی قسم کے لوگ جو ہے وہ چوڑو میں کہوں گا نا, وہ بلاول صاحب سے تنقید کر کے اپنا قد بڑھا رہے ہیں. بلاول صاحب کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. دنیا مانتی ہے کہ بلاول ہی ہیں جو اس ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر حکومت کو یہ خدشات کیوں لگ رہے ہیں ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب؟ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں, شیخ رشید بھی آج کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف 17 ماہ سے سازشیں کی جا رہی ہیں. کیا آپ کی اپوزیشن میں اتنی قوت باقی رہ گئی ہے کہ آپ کوئی سازش کر سکے؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آپ کی تمام جو سیاسی قیادت ہے وہ تو لندن میں جا کر بیٹھ گئی ہے, اور جو تھوڑے بہت یہاں بچے ہیں ان کی کبھی اریسٹ سامنے آ رہے ہیں, کبھی ضمانتیں سامنے آ رہی ہیں, وہ اپنے ہی مقدمات جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. تو یہ کیسی سازشیں کر سکتے ہیں, اور پھر کون کر سکتا ہے؟ اپوزیشن کر رہی ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہو رہی ہیں. کسی قسم کی کوئی سازشیں نہیں ہو رہی, نہ کسی کو سازش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس حکومت کو کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی اپنے وزن سے گر رہی ہے. اور اپنی کارکردگی کی بنا پر جو کہ یہ نہیں دکھا سکے, پہلے 6 مہینے کا انہوں نے ہدف دیا, پہلے 120 دن کا ہدف دیا, پھر 6 مہینے کا, پھر سال کا, اور اب یہ جو ہے وہ کئی سالوں پہ محیط لوگوں کو جو ہے وہ صبح نوید دے رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ان کی جو ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنی ان کی بڑا گیان چند سنگھ بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ کبھی کوئی پریس کانفرنس ان کی سنی ہے کہ ان کی کیا ٹارگٹس ہیں, کیا یہ ملک کو ڈیم دینا چاہتے ہیں؟ جیسے پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک ٹارگٹ بنایا کہ ہم نے قوم کو بجلی کی ڈیفیشنسی پوری کرنی ہے, اور انہوں نے 10,000 میگا واٹ بجلی آپ کو دی, انہوں نے موٹر ویز دیے, سی پیک لے کے آئے, وہ جو بھی جس طرح کے بھی انہوں نے حالات میں, اور وہ جو ہے ایک آپ کی ڈیولپمنٹ کو بھی لے کے گئے, لیجسلیشن کو بھی لے کے گئے, اور ساری چیزوں کو بیلنس رکھا, سوائے اس کے کہ انہوں نے 2 سال بعد ہی دھرنے شروع کر دیے اور ساری ڈیولپمنٹ کو اور سارے جو پروگرامس ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اور یہ اسی رو میں بہتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ انہیں 1 سال تک تو یہی یقین نہیں آیا کہ اب حکومت میں ہے. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا شروع میں, بلکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, دھرنا کا کہا تو ہماری پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ ابھی انتظار کریں, ابھی وقت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حکومت ہے, دیکھیں میدان میں جب کوئی ٹیم کارکردگی نہ دکھا سکے, اس کو جتنا بھی کوئی اسٹرانگ اسپانسر لے کے آیا ہو اور اس کا ٹی مینیجر یا کلب کا اونر جتنا مرضی اسٹرانگ ہو, لیکن لوگ اس کو ڈنڈے اور پتھر مارنے لگ جاتے ہیں. اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ 1-1.5 سال ان کو میدان میں کھیلتے ہوئے ہو گیا ہے, کوئی گول نہیں یہ کر سکے, اور یہ باؤنڈری سے باہر جو ہیں وہ ساری بالز ان کی جا رہی ہیں, جو ہے وہ کریز سے جو ہے وہ جا رہی ہیں, تو وہ کسی سازش کی کیا ضرورت ہے؟ احمد اویس صاحب, یہ جو اب حکومت کے سامنے جو یہ بڑے بڑے چیلنجنگ ایشوز ہیں جن میں کہ حکومت الجھی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خود حکومت کے پیدا کردہ ہیں؟ چاہے اس میں آپ لے لیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کا معاملہ ہو, آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہو, یا پرویز مشرف صاحب کا کیس ہے, یا جو فورن پالیسی پر جو ایشوز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کی جانب سے یہ فیصلے کیے گئے ان معاملات کو لے کر, کیا اپوزیشن کا کوئی عمل دخل نظر آیا ان چیلنجز کو کھڑا کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, وہ اب انہوں نے بیل پہ ان کو بیماری کے باعث جو ہے ان کو میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کی بیل ہوئی, اور اس میں میڈیکل بورڈ کی رپورٹس تھیں, ان کو سب مد نظر رکھ کے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ایک جو پرانے جو یہ تمام سیاستدان تھے پچھلی حکومت نون لیگ کی, جو سینٹرل لیڈرشپ جو ہے, جو بڑی لیڈرشپ جو ہے, میاں نواز شریف اور ان کی فیملی ہے,
ये तमाम इस अनडाउटेडली जो केस सामने आ चुके हैं, जो पेंडिंग हैं, जिसमें फैसले हुए हैं, करप्शन तो इनके ऊपर साबित हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपनी स्टैंप लगाई है इनकी करप्शन के ऊपर, उसके बाद ये मैटर ट्रायल कोर्ट में भी जो चल रहे हैं इस वक्त, ये तो अपनी जगह है। अब ये अब उसको बचाने के लिए ये हर किस्म की कॉन्स्पिरेसी में यकीनन इन्वॉल्व हैं कि ये हुकूमत को, इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हुकूमत को मजबूर करते रहें और उलझाए रखे हैं ऐसे मामलों में कि वो प्रोग्रेस के काम जो हैं, पॉलिसी मेकिंग के काम जो हैं, उनसे वो वहाँ तक ना पहुँच सके। अब हुकूमत की लेकिन जिम्मेदारी ये है और हुकूमत की जो कैपेबिलिटीज़ में ये शामिल होना चाहिए या उनको इंटेलिजेंटली वो इनके इन इन पॉलिसीज जो उनकी ये चालें जो हैं उसको भी उसके ऊपर नज़र रखें और साथ ही साथ वो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी काम करें, पॉजिटिवली स्टेप फॉरवर्ड जो है वो लें ताकि मामला जो है ये एक तरक्की की तरफ मुल्क जो है वो गामजन भी हो और उस क्राइसिस से भी बाहर निकल सके। इसमें कोई शक नहीं है कि गंद जो है पिछले हुकूमतों का इतना ज़्यादा गंद है, इतनी ज़्यादा करप्शन के बाइस मामलात ख़राब हैं कि उसको ठीक करते करते भी वक्त लगेगा, लेकिन हुकूमत को साइमल्टेनियसली शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्लानिंग जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि शॉर्ट रन प्लानिंग में इन मामलात को पकड़ें और लॉन्ग रन प्लानिंग के अंदर ये बाकायदा पॉलिसीज लेके आए कि जहाँ से आप एक कल एक अच्छा कल देख सकेंगे, हमारी अगली नस्लें जो हैं या आज जो कॉमन मैन जिस मुसीबत से आज गुजर रहा है उसकी जो वो ये मुसीबत के ये रात जल्दी कट जाए और उसके लिए एक ऐसा सुबह जो है वो एक उम्मीद के साथ ऐसी सुबह आए कि जहाँ पे उसके मामलात जो है आगे से बेहतर हो जाए। अहमद अवैस साहब, इन तमाम बातों के लिए तो फिर रिफॉर्म्स पर जो काम करने की इस वक्त जरूरत थी वो हमें होता हुआ उस तरह से नजर नहीं आ रहा, दावे आपकी जानिब से किए गए थे और फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए दोनों की जानिब से, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, लेकिन देखा अब हमारा जो एक कल्चर सा बन गया है, हम देखते हैं कि जब अपोजिशन के खिलाफ फैसले आते हैं अदलिया से तो वो अदलिया पर अपोजिशन तनकीद करती है और जब हुकूमत के खिलाफ अगर फैसले आते हैं अदलिया की जानिब से तो वो हुकूमती वुज़रा जो हैं वो भी इन फैसलों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज ही शेख रशीद साहब हैं वो कह रहे हैं कि तल्ख फैसले किए जा रहे हैं, शहरयार आफरीदी हैं वो भी आज ही कहते हैं कि तमाम चोरों को जमानतें दी जा रही हैं, आजकल जमानतों का मौसम है, फिरदौस आशिक अवान है उन्होंने भी कल राणा सनाउल्लाह साहब की रिहाई को अदलिया का अनोखा फैसला करार दिया था। तो ये किस तरह से काम आगे की जानिब जाता हुआ नजर आएगा, जब ऑपोजिशन के खिलाफ फैसले आए तो वो तनकीद करती है अदलिया पर, हुकूमत के खिलाफ फैसले आए तो हुकूमती वुज़रा जो है वो तनकीद करते नजर आते हैं। ये बड़ा अच्छा आपने मेरे ख्याल बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं ये कहूँगा कि अगर देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी गलत रवायात बन चुकी हैं कि जिसको हमारी सोसाइटी ने यह अडॉप्ट कर लिया है या उसको बुरा नहीं माना जाता। मेरे नज़दीक एक शख्स जो फाइनेंशियल करप्शन करता है और एक शख्स जो इंटेलेक्चुअल करप्शन करता है, इंटेलेक्चुअल करप्शन वाले को किसी सूरत बख्शना नहीं चाहिए, फाइनेंशियल करप्शन वाला तो अदालत पकड़ लेगी उसको सजा भी देगी, लेकिन जो ऑसिलेट करते रहते हैं ना कि एक से लॉयल्टीज बदली दूसरे में शामिल हो गए, दूसरे से बदली तीसरे में शामिल हो गए और वहां जाके भी बड़ी लच्छेदार तकरीरें करनी शुरू कर दी और पॉइंट विनिंग का एक एटीट्यूड बना लिया है हुकूमतों ने आपस में, ऑपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी, कि हम जो है वो स्कोर विनिंग पोजिशन के अंदर रहें कि उसने अगर कुछ कह दिया तो मैं एक वन अप पॉइंट ले लूँ, फिर मैं कुछ कह दूँ तो वो शुरू कर दें। हमें इनसे बाहर निकलना होगा, हमें इस कौम के देखें 45% से ज़्यादा आबादी जो है वो बिलो पावर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है इस मुल्क के अंदर, हमें उनके लिए कुछ खुदा के लिए सोचना चाहिए और मिल के सोचना चाहिए। एक तरफ करप्शन करके ये मुल्क से ड्रेन आउट करके पैसा बाहर ले गए और आप भी जाके बाहर बैठ गए हैं, दूसरी तरफ ये मामला जो हैं ये उनको सुलझाने के अलावा उनके ऊपर तनकीद के ऊपर जो है हमारे वुज़रा ना लगे, इनको चाहिए कि पॉलिसी मेकिंग पर तवज्जो दें और उसके ऊपर वो पॉलिसी ओरिएंटेड सेटअप जो है उनका बनाया जाए और जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम के अंदर उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप लें आगे और देखें कि वो प्रैग्मेटिकली वो स्टेप्स जो हैं क्या वो पॉलिसी जो है वो प्रैक्टिकेबल हैं या नहीं है, ताकि आवाम की जो जिस मुसीबत में आज फंसे हुए हैं, कॉमन मैन को जो मसाइल हैं उसके उनसे हम बाहर निकल सकें, ये आज की रिक्वायरमेंट है, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ। ये
और आपने जहाँ इतनी रिक्वायरमेंट्स बताई, आई थिंक वहां पर एक रिक्वायरमेंट ये भी एड ऑन कर लें कि जो हुकूमती वुजरा हैं वो बेजा प्रेशर से बेइज्तनाब करें, जो अननेसेसरी प्रेशर्स हैं उसके बाद जो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और मामलात फिर संवरने की बजाय जो है बिगड़ते हुए ज्यादा नजर आते हैं, तो शायद उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। यहाँ पर सेनेटर ज्ञान चंद साहब, क्विकली, शो का वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है, क्विकली आपसे सवाल है कि बिलावल भुट्टो जो है वो आप दिसंबर 27 दिसंबर को रावलपिंडी में जलसा करने जा रहे हैं, वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी है वो मनाने जा रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि ये जलसा कोई खास अहमियत का हामिल समझा जाएगा? पहली दफा पंजाब में बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी का जलसा है। यकीनन देखिए, इसलिए के लिए हम सब कारकुन जो है वो जज्बाती, उनकी माँ थी वो ज्यादा जज्बाती है। उसके पीछे जो बिलावल साहब का वीएन है वो ये है कि वो डेमोक्रेसी के लिए, वो जो यहाँ के लोगों के हकूक के लिए जदोजहद बेनजीर भुट्टो साहबा कर रही थी, उस जदोजहद को खत्म करने के लिए, उस अलम को गिराने के लिए जो कोशिश की गई थी, उस अलम को लेकर मैं आगे उठूंगा, अपनी माँ की शहादत की जगह से मैं इस कौम से वायदा करूंगा कि उनके वचन को पूरा करूंगा। तो ये कौम पूरी समझती है कि इनके पाकिस्तान में जो कायदेजम का बर्थडे है, कायदेजम के बाद अगर कोई शख्सियत पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा काम किया और सबसे ज्यादा जो है मानी हुई शख्सियत जुल्फकार अली भुट्टो और उनकी पार्टी है, उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहब आई, तो उनका मशन लेकर आगे चलने के लिए। लेकिन फिर क्या इसे अहमद अवैस साहब, क्या इसे ये भी देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जगह बनाने की, अपनी एक पोलिटिकल स्पेस बनाने की जो कोशिश कर रही है? यकीनन ये है, इस वक्त बिलावल भुट्टो की सबसे ज्यादा तवज्जो जो है पंजाब के ऊपर है, लेकिन जब तक अपनी पार्टी की अपनी सफों को वो ठीक नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, और करप्शन का इतना बड़ा जो कलंक का टीका उनके ऊपर लगा हुआ है, और जो सिंध के इंटीरियर के अंदर जो हाल है वहां की सिंधी आवाम का, उनके ऊपर कोई मामला सीधे नहीं करेंगे तो पंजाब में उनकी कोई जगह नहीं ऐसे बन सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब और सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।